हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आज मैं बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ देयर। पहचान, नंबर एवं मात्रा बताने के लिए जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ देयर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट के लिए, ये सिंगुलर के लिए है देयर इज, देयर प्लस इज प्लस नाउन, और प्लूरल के लिए देयर प्लस आर प्लस नाउन, और नेगेटिव के लिए देयर प्लस इज आर प्लस नो प्लस नाउन। और ये वो सिंपल सेंटेंस के लिए देयर प्लस वॉज प्लस नाउन, और नेगेटिव के लिए देयर प्लस वॉज वर प्लस नो प्लस नाउन, और फ्यूचर के लिए है देयर सिंपल सेंटेंस के लिए देयर प्लस विल बी प्लस नाउन, और नेगेटिव के लिए देयर प्लस विल बी प्लस नो नाउन, नो प्लस नाउन। इसका एग्जाम्पल है, आप इधर देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बैग में 10 बुक्स हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा देयर आर 10 बुक्स इन बैग या इन द बैग। नेक्स्ट बोलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। यस, जैसे मेरे गांव में एक मंदिर था, क्या होगा? देयर वॉज अ टेम्पल इन माई विलेज, या देयर वॉज वन टेम्पल इन माई विलेज। और जैसे कोचिंग में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन कोचिंग। जैसे बाहर 2 साइकिल है, देयर आर 2 साइकिल्स, या बाइसिकल्स आर, देयर आर 2 बाइसिकल्स, देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास। राइट, फिर ये मुझे बोलना है मेरे स्कूल में 40 क्लासेस थी। यस सर, देयर वर 40 क्लासेस इन स्कूल, देयर आर 50 होम्स इन माई विलेज, देयर वर 50 हाउसेस इन माई विलेज। देयर इज अ हॉस्पिटल इन माई विलेज, देयर वॉज अ हॉस्पिटल इन माई विलेज। अगले शेड्यूल्स, मेरे बैग में 5 किताबें थीं, देयर वर 5 बुक्स इन माय बैग, मेरे बैग में 5 एक बॉक्स था, देयर इज अ बॉक्स इन माय बैग। राइट, नेगेटिव बनाने के लिए शेड्यूल्स में क्या करते हैं? नो लगा देते हैं। जैसे, और जैसे मेरे बैग में बुक्स नहीं थी, देयर आर नो बुक्स इन माय बैग। नहीं है, देयर आर नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में लाइब्रेरियाँ नहीं है तो देयर आर नो लाइब्रेरीज इन माई विलेज, इन माई स्कूल। यस, नो सर, सिंगुलर में इज लगे। देयर No library in my school. There is no library in my school. मेरे घर में किचन नहीं है। There is no kitchen in my home. मेरे body में blood नहीं है। There is no blood in my body. Right. तो चीजें clear है? Yes sir. और future clear बनाना हो तो क्या करोगे? Will भी लगा देंगे। जैसे कि bag में 10 किताबें होंगी, there will be 10 books in bag.